So lovely, sir. So lovely. So, yeah, excuse me. Sir, yahan pe dekhiye. Okay, Chandan. Wow. Do I look like a photographer? Excuse me, yaar. Sonu sir, yahan pe. Sonu sir, right side start, right to left. Much needed quick. Right, look, everyone, right. Chalo, start karo. Sir, right. Aapka right. Center. Right. Right, sir, right yahan pe, right mein. All of you, right. सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्ते. मैं सुरेश भाई, संजय जी, अनूप जी, संजीव जी, मेरी बहन मीनल, सोनू, स्पीकर जी, मेरे फादर अरुण जी, अंकल जी, निखिल भाई, सबका सहमति भरपूर. आप सभी का जो भी मेरी बहन मिशन मेरी जी सबका मतलब मुझे बहुत बहुत धन्यवाद करना है. सभी यहाँ पे जो मौजूद हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो बहन है मीनल, ये कोई आम लड़की नहीं है, ये एक सुपर वूमन है. इसने जिंदगी में
अपने बलबूते फोन रख कर प्लीज अपने बलबूते पे उसने जिंदगी में जो भी किया है इसकी जर्नी बहुत कठिन रही है, लेकिन क्योंकि इसका खुद पे विश्वास और अगर कुमार मेरे लिए ये बहुत कमाल आदमी है, बहुत कमाल ऐसे जो जो कर्मठता जो इनमें है वही इसमें है। और ये इतनी बड़ी योग की विद्वान है, नाम योग की विद्वान है, ये बहुत बड़ी विदुषी है एक्चुअली, और बचपन से ही इतना बेहतरीन गाती थी कि बस उसने अपने आप को थोड़ा सा ही इंस्पायर करना था और ये आज इतना अच्छा गा रही है। मतलब सबसे बड़ी चीज़ गायक की होती है वो है सुर। लोग हरकतें बहुत मारते हैं, ऊंचा भी गाते हैं नीचे भी गाते हैं, जिसको सुर का ज्ञान नहीं है वो गायक नहीं होगा। जिसको नहीं पता यहाँ से ये फर्क पता होना चाहिए कि सारे जो पढ़ के ये जिसको पता हो वही सही मायने में असली जिसको संगीत के बारे में उसको हम संगीतकार कह रहे हैं या गायक कह रहे हैं या वादक कह रहे हैं, तो उसको वो बर्थ से अगर कुमार निगम जी और शुभ निगम की वजह से मिला है। और इसलिए अनूप जी को यहाँ पर आने का सबसे बड़ा पर्पस यह है कि मेरे उस्ताद मेरी मम्मी ने बचपन में मुझे कहा था कि अगर तुझे अच्छा सिंगर बनना है तो अनूप जरूर जी को सुनो। हाँ, और जब मेरी मम्मी का देहांत हुआ था तो वही अनूप जरूर जी ने आकर हमारे लिए मम्मी के लिए ट्रिब्यूट किया था, तो ये कितना बड़ा सर्कल है। अनूप जी इस ये हमारे लिए जो आध्यात्म हो रिलीजियस म्यूजिक हो और मस्ती में भी हमारे बहुत कमा रहे थे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही साइड है उनका, ये सब परफेक्ट भी हो कई साइड है उनके। तो एक कहा बाबा और अनूप जी और मेरे फादर जो है ये एक दूसरे तब से जानते हैं, जब मेरे फादर मेरी मम्मी को भी मिले थे तो ये पक्के दोस्त है, पक्के दोस्त है। जब मेरी मम्मी से मेरे फादर की मुलाकात नहीं हुई थी मतलब हमारे आने का कोई स्कोप नहीं था, तब से जानते हैं Thank you.
माता रानी की चुनरी भी हम आपको सुप्रीम हाइट कर रहे हैं और ये चुनरी आपके जीवन में आशीर्वाद बनाए रखे। वैष्णो देवी से लेकर कन्याकुमारी तक जितनी भी हमारी माताएं उन सबका आशीर्वाद इस चुनरी के साथ आप सबके सर पर उड़ाते हुए। क्या बात है सज्जी जी, आपको बहुत टैलेंटेड है। मैं चाहती हूँ ललिता जी से, मीनल जी से अनुरोध करूंगी संजीव जी से कि चलें और हमारी स्मिता ताई खात्री जी की तरफ पहुंचे और हम आपको दशरथ जी ने जनक राजा के पैर पड़े थे कि तुमने मुझे बेटी दी, तो ये परंपरा हमारी बड़ी पुरानी है। स्वागत करते हैं हम स्मिता जी का बहुत स्नेह के साथ में। और मैं अभी अनुरोध करूंगी आप तीनों से कि विजन सम्राट जी की तरफ पढ़े और पद्मश्री अनूप जलोटा जी का हम सम्मान करना चाहते हैं। गाने कैसे लिखा, कैसे आया, प्लीज। अरे सब 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 सामने। जब एक्चुअली मैं भजन लिखने के लिए बैठी थी ये तो संजीव जी का थॉट था कि दिवाली के पास रिलीज करेंगे, तो मैंने कहा लक्ष्मी जी का भजन करते हैं और पता नहीं कहाँ से शब्द आते हैं। मैंने हिंदी ऑनर्स किया है लेकिन जब ये लिखने बैठी तो किसी ज़माने में मैंने कुछ लक्ष्मी जी के ऊपर एक प्रोजेक्ट किया था, उस टाइम जो भी शब्द किए थे वो ऐसे आते गए पन्ने पे जैसे कि कोई सचमुच मेरा हाथ पकड़कर कुछ लिखवा रहा है। और फिर जब शब्द बन गए और जब भजन बन गए तो वो कुछ इतना सुंदर लिखा गया, संजीव ने कहा ये ज़रूर से करते हैं, फिर मीनल जी भी आए साथ में, तो बहुत ही अमेजिंग चीज़ बन के आई है। आई एम सो ग्लैड। इनफैक्ट एक बात जो उस टाइम बात में रह गई थी मैं बताना चाहती थी कि जब हम लोग भजन रिकॉर्ड कर रहे थे तो सोनू जी भी वहाँ पे पूरे 3-4 घंटे थे जस्ट टू सी कि भी मेरी बहन कैसे गा रही है। ये इससे बड़ा और कुछ हो नहीं सकता है एक बहन के लिए, भाई के लिए, और बहुत सुंदर चीज़ बन के आई है। एंड वी आर ऑल गोइंग टू डू मेनी प्रोजेक्ट्स टुगेदर। आई एम सो हैप्पी, फील ब्लेस्ड। जय माता दी। संजीव जी आपको कैसे लगा जब आपने शब्द सुने? कई बार ऐसा होता है कि कुछ शब्द आपके पास आते हैं, एज अ म्यूजिक डायरेक्टर बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स बीन 34-35 ईयर्स डूइंग कंपोजिंग, तो आपको कुछ वर्ड्स इंस्पायर नहीं करते हैं और कुछ करते हैं तो 15 मिनट, आधा घंटा, एक घंटा। लेकिन जब ललिता जी ने ये लिख के मुझे दिया, वो वज़न में इतना अच्छा वज़न में बैठ रहा था हर चीज़ कि वो माता रानी ने एकदम से विदिन आई थिंक 4-5 मिनट्स ही उस पूरे गाने को एक रूप दे दिया और वो गाना नहीं इसका मैं बंद किया। तो बस वो गाना अब आपके सामने है और मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मीनल जैसी एक इतनी उम्दा सिंगर जो कहीं जनता के बीच में इस दुनिया की भीड़ में कहीं छुपी हुई थी, आज वो उजागर हो रही है। और ये मैं उनको बोल चुका हूँ और मैं दुनिया को भी बोलता हूँ कि ये मैंने इसलिए इनके साथ काम नहीं किया क्योंकि वो सोनू निगम जी की सिस्टर हैं, वो इसलिए काम किया क्योंकि वो बहुत उम्दा और अच्छी सिंगर हैं। और आप आने वाले समय में, आते हुए समय से करीब 1.5-2 साल में देखेंगे मीनल जी कहाँ पहुँचेंगी अपनी गायकी को लेकर, और बहुत आगे जाने वाले हैं और हम तीनों
मिलकर बहुत आगे प्रोजेक्ट सोच रहे हैं करने के लिए। मिनल, हाउ आर यू फीलिंग टुडे? एक ही वर्ड है मेरे पास, ब्लेस्ड। आई एम सिंपली ब्लेस्ड टू बी विद पीपल लाइक ललिता जी, संजीव जी, और मैंने जैसे कहा था कि मेरे घर में ही जो दो सम्राट हैं संगीत के, उनके बीच में रहकर कभी कभी ये भी होता है कि कॉम्प्लेक्स भी होता है, ऐसा लगता है कि आपको क्या आता है इनके सामने, मगर जो प्रोत्साहन मेरे भाई ने, मेरे पिताजी ने मुझे दिया, मैं बस यही कह सकती हूँ कि उसी का आशीर्वाद है कि आज मैं इतने बड़े बड़े लोगों के सामने बैठ के कुछ गा सकती हूँ। सुनो भाई, आपको कैसे लग रहा है आज आपकी छोटी बहन ने इतने कमाल का गाया, इट्स सच अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मैं तो उनको बचपन से जानता हूँ ना, तो ये तो मेरी पहली दोस्त है। मैं 11 महीने का था तो उसने बोला मैं तुझे अकेले छोड़ूंगी नहीं, मैं भी आ जाती हूँ, तो ये तब से मेरे साथ में है, तो मेरी सबसे पुरानी दोस्त है। मैं बचपन से इनकी कला को जानता हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि इन्होंने अपने जीवन को स्टेप बाय स्टेप ऑनेस्टी से अच्छी तरीके से किया है, और मैं जानता हूँ कितनी हम्बल लड़की है ये, इतनी सीधी साधी सरल मेहनती सेवा वाली बहुत लड़की है। इसने मेरी माँ की बहुत सेवा की है, इसने अपने पूरे घर की बहुत सेवा की है, हम सब की सेवा की है, और इतना रियाज भी करती है। अब ये रियाज इसने साधना का भी किया हुआ है, योगा का, ऐसे ऐसे आसन करती है आप हैरान हो जाएंगे, ये ऐसी ऐसी कमाल की योगा की एक्सपर्ट है ये, और हीलिंग करती है, जिसको छूती है उसको कुछ अच्छा होता है। तो इनके अंदर में आध्यात्मिक शक्ति भी है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आपको, मतलब सरेआम कह रहा हूँ मैं, ये देवी है, ये जिसको छू लेगी ये उसका अच्छा करती है, ये ऐसी चीज़ है, और इसलिए जो भी गाती है तो उतनी सच्चाई निकलती है इनके गाने में, इनके बहुत ही प्यार और सच्चाई और ऑनेस्टी और डिवोशन आती है। भगवान इनको खूब सद्बुद्धि दे, सद्गति दे, अच्छा काम करे। इनके साथ में संजीव जी, ललिता जी, आप लोग ने बहुत सुंदर, ललिता जी आपने क्या लिखा है, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जो मैंने इतने भजन गा रखे हैं, मैंने हज़ारों गा रखे होंगे, पर मैंने कुछ शब्दों का कभी देखा ही नहीं उपयोग जो आपने किया हुआ। भगवान आपको भी अच्छी अच्छी जर्नी दे, आपकी यात्रा सफल हो, आपका संगीत से जो जुड़ा है जीवन वो आगे और भी अच्छा हो। संजीव भाई तो मेरे भाई हैं ही, और इनके साथ में तो मेरे बहुत लंबे संबंध रहे हैं। मेरी आप लोगों की यही कामना है कि आप लोग का जो रास्ता हो रहा है ये आपका मार्ग प्रशस्त हो। बस ठीक है, आपको कैसे लगा जब आपने गाना सुना? मुझे गाना सुनना क्या, संगीत जगत से लोग हैं तो संजीव ने मुझे बोला कि मिनल जी का सॉन्ग शुरू करना है, तो मैंने कहा नहीं आपको ये करना ही है, आप अगर स्टूडियो है हम अपनी तरफ से स्टूडियो देते हैं जो भी है, और ये मेन गुलशन जी का पूरा एक हमारे ऊपर आशीर्वाद, सब हम सबके ऊपर आशीर्वाद है जो आज हमें उनसे प्रेरणा मिली है कि भजन को, हमारी भक्ति सागर जो है उसको आप आगे बढ़ाते जाइए, आज हम उस पर चल रहे हैं। तुम जी का भी बहुत बड़ा सपोर्ट रहा हम लोग को सभी का, तो बहुत अच्छा था, संगीत भी बहुत अच्छा था, और स्टूडियो में मैं डबिंग में उस समय शूट किया था नहीं आ पाया, इसके लिए सॉरी था, मैंने बोला था संजीव को, और आज ऐसे समय पर हमें मौका मिला है, माता लक्ष्मी का और दिवाली का शुभ अवसर है, सभी को बहुत बहुत प्यार हमारी तरफ से, और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद सब पे बना रहे। धन्यवाद आपका भी जी, आपका और टी सीरीज़ का बहुत धन्यवाद। टी सीरीज़ मेरे जीवन में सबसे बड़ा एक अम्ब्रेला छतरी रही है मेरी, और मेरे परिवार के साथ में आज तक जुड़ी है, मेरे फादर के साथ में, आज मेरी बहन मीनल के साथ में भी जुड़ी हुई है, तो टी सीरीज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। थैंक यू मीनल, वी वांट यू टू सिंग द सॉन्ग। आई एक बहन ने बहन को बोला गाने के लिए। तू धन दायिनी माते, वैभव दायिनी माते, तेरी कृपा जो बरसे, तर जाए जग भव से, तू ही साध्या तू आराध्या, धर्म रक्षिणी माते, माते लक्ष्मी माते, माते लक्ष्मी माते, जय हो, जय हो। मैं इस भजन से रिलेटेड एक बात बोलना चाहती हूँ। जब मैं लिख रही थी तो मैंने लिखा तू धन दायिनी माते, तो मुझे लगा कि अरे मैं क्या लिख रही हूँ, धन दायिनी तो जो धन देती है वही माँ है, तो अगर वो धन देगी तो ही उनकी पूजा करें, ऐसी बात नहीं है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है जो व्यक्ति का सही धन है वो उसकी सोच है, उसके संस्कार हैं, उसके भाव हैं, जिससे हम सब, मुझे लगता है हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि वो हमारे पास हैं।
मिदन जी के भी पास हैं, संजीव जी के भी पास हैं, तो बहुत ही बस लिखा गया ये भजन. आई फील रियली ब्लेस्ड लाइक व्हाट मीनल सेड विद जस्ट वन वर्ड दैट वी फील ब्लेस्ड. और हम तीनों की तरफ से, हम तीनों सोलमेट्स की तरफ से और सोनू भाई की तरफ से आप सभी सुनने वालों को हैप्पी दिवाली, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली. मैं बस ये कहूँगा दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मेरी शुभकामनाएं हैं संजीव जी, ललिता जी और मेरी बहन मीना निगम के साथ में. भगवान उनका उनके द्वारा आपको बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं मिलती रहे, यही मेरी कामना है.